नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज साथियों हम लोग बात करेंगे मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तेमाल करने वाले वर्ड के विषय में, शब्द के विषय में, और वह है एलर्जी। तमाम मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब एलर्जी हो गई, ये एलर्जी हो गई, वो एलर्जी हो गई, ऐसी एलर्जी हो गई, वैसी हो गई, इस चीज़ से हो गई, उस चीज़ से हो गई, तमाम। लेकिन एलर्जी वर्ड उसमें होता है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलर्जीज़ के विषय में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निपटें, कैसे आप इसका निदान करें। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एलर्जी होती क्या है। एलर्जी साथियों, आपका जो बॉडी होता है उसका एक डिफेंसिव सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है। कभी क्या वक्त आता है कि आपका बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, तो जब आपका एक्सटर्नल कोई इन्फेक्शन आता है या वो इन्फेक्शन नहीं भी होता है, कोई भी एलर्जन होता है जो वास्तव में जिसको आपको एलर्जी नहीं कॉज करनी चाहिए, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स रखता है, उस हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को एलर्जी कहते हैं। सपोज कीजिए किसी को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो जब आपने मिल्क प्रोडक्ट्स का इनटेक करा तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसने जो एंटीबॉडीज बना रखे हैं उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, और इसको मरीज ने आके कहा मिल्क एलर्जी है। तो ये जो बॉडी इम्यून का हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है एलर्जन के विरुद्ध में, इसी से उत्पन्न कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। इसमें साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यह जो है कभी बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है बॉडी में, कभी यह सालों में होता है, कभी यह सालों में भी पूरा नहीं हो पाता है, एक पार्शियल होता है। उस स्थिति में आपके शरीर में एलर्जी मॉडरेट होती है, और अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है। ये जो प्रोसेस होता है बीच का कि एलर्जी डेवलप होने के लिए जो एंटीबॉडीज जनरेट हो रहे हैं उनको जो इम्यून सिस्टम जो रिलीज करता है उनको पूरा डेवलप होने के बीच का जो प्रोसेस होता है उसको सैनिटाइजेशन कहते हैं। यह एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बात कर लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स की। एलर्जी में साथियों जिस तरह की एलर्जी वैसा सिम्टम। अगर आपके जो है वो नेसल एलर्जी है तो छींकों का सिम्टम आ गया, अगर आपकी अर्टिकेरिया है तो स्किन में आपके बल्ज आ गए, अगर आपके मच्छर के काटने से आपकी एलर्जी हो जाती तो उस तरह की लाली होगी, मच्छर ने काटा और भारी घाव बन गया, भारी वो स्केल्स आ गए, भारी चकत्ता बन गया, तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होते हैं। बात कर लेते हैं साथियों इसका एक सिम्टम में एक स्थिति और होती है, इसको कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। यह आपको जानकारी होनी चाहिए, यह एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस कंडीशन, मेडिकल कंडीशन होती है जो कि एलर्जीज़ में होती है। जैसे क्या होता है, हम लोग आम तौर पर एलर्जीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं कि एलर्जी है तो है, लेकिन एलर्जी के में अगर यह कंडीशन आपके क्रॉनिक कंडीशन डेवलप हो गई तो यह लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जिसमें आपके अनकॉन्शियसनेस भी आ जाती है, आप बेहोश हो जाते हैं, आपका बीपी भी लो हो जाता है, आपको पेन बहुत बढ़ जाता है और आपको तकलीफ़ें होती हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी के आप एंटाइटल्ड होते हैं। तो इस वर्ड को अगर आपके किसी भी चीज़ की एलर्जी है तो आप इस वर्ड को अवश्य ध्यान में रखें। बात कर लेते हैं साथियों इसके कारणों की। इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई एलर्जन आता है आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको बाहरी पार्टिकल एक इंट्रूडर के रूप में, एक दुश्मन के रूप में रिकग्नाइज करता है, और आपका इम्यून सिस्टम IgE जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वह एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, और यह एंटीबॉडी उस विशेष इन्फेक्शन को पहचानते हैं। कभी यह जल्दी पहचान लेते हैं, कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है, कभी महीनों का, कभी सालों का, लेकिन ये पहचानते हैं। जितना ज़्यादा पहचानते हैं उतना ज़्यादा आपको इसका बुरा रिस्पॉन्स आता है।
तो जब ये आप पहचान लेते हैं तो जब भी वो एलर्जन आपके बॉडी आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपके यह जो एंटीबॉडीज होते हैं यह उस पर हमला कर देते हैं और यह ही आपके मैनिफेस्टेशन के रूप में विभिन्न विभिन्न जिस तरह का एलर्जन उस तरह का मैनिफेस्टेशन उस रूप में आपके सामने आते हैं। इसकी साथियों इसीलिए डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आईजीई का टेस्ट कराता है। कभी आपको एलर्जीज रही होंगी तो डॉक्टर ने आईजीई टेस्ट जरूर कराया होगा, या इम्यूनोहीमोग्लोबिन्स होते हैं जो कि ब्लड में रिलीज होते हैं और यही प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की है यही आपका एंटीबॉडी बना के आपको सही करने वाली चीज़ को कष्ट के रूप में आपके शरीर में दे देते हैं। अगर साथियों आपको मिल्क से एलर्जी है या आपके बच्चे को मिल्क से एलर्जी है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। हम साथियों आपको बताएंगे इस एलर्जी को ठीक करने के 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। बस बात यही है कि आप इस बात का बस ध्यान रखें कोई भी दवा, जैसे हमने कहा कि इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी एनाफाइलेक्सिस की एलर्जीज के साथ इन्वॉल्व रहती है, इसलिए कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। पता नहीं कि दवा का क्या मैनिफेस्टेशन हो और आपको क्या वह नुकसान पहुंचाए। बताते हैं साथियों आपको एलर्जी को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहली दवा जिससे मिल्क एलर्जी का या एग एलर्जी का इलाज शुरू करना चाहिए या मिल्क प्रोडक्ट्स की एलर्जी का इलाज शुरू करना चाहिए वह है ट्यूबरकुलिनम। आप जिसको भी मिल्क एलर्जी है उसको ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक खुराक दे दें, हफ्ते में केवल एक खुराक या 6 महीने में हम कहें एक खुराक दे दें। उसके 10 दिन बाद आप सल्फर की एक खुराक दे दें, आप देखेंगे कि आपके बच्चे को मिल्क एलर्जी में बहुत फ़ायदा हो गया, उसको मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट से जो एलर्जी हो रही वह ख़त्म हो गई। जब आपने ट्यूबरकुलिनम दी उसके 10 दिन बाद आपने सल्फर की खुराक दी, उसके 2 दिन बाद आप नेट्रम कार्ब वो निकम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे दें। यह जो 3 दवाएं हैं यह आपके बच्चे को मिल्क एलर्जी की समस्या से काफ़ी हद तक निकाल देंगी या यूँ कहें पूरी तरह ख़त्म कर देंगी। हम फिर से रिपीट करते हैं साथियों, सबसे पहले अगर मिल्क एलर्जी आपको या आपके बच्चे को है तो आप ट्यूबरकुलिनम की 1 mg की एक खुराक दे दें, उसके 10 दिन बाद आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर दे दें और उसके 2 दिन बाद से आप नेट्रम कार्ब 200 2-2 बूंद दिन में 3 बार एक हफ्ते तक दे दें। आप देखेंगे आपके बच्चे को दूध पीने के बाद जितनी भी मिल्क एलर्जी होती है वह ख़त्म हो गई। साथ में आप एथूजा साइनेपियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एथूजा बहुत अच्छी दवा है। जब आपका बच्चा दूध पीता हो उसको उल्टी हो जाती हो वॉमिटिंग हो जाती हो उस कंडीशन में एथूजा भी बहुत अच्छी दवा है, यह दवा लेकर भी आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको या आपके बच्चे को मिल्क एलर्जी हो और साथ में उसको वॉमिटिंग हो रही हो और पानी ऐसी लैट्रिन हो रही हो उसके पेट का भी डिरेंजमेंट हो तो आप पल्सेटिला को भी जोड़ सकते हैं। पल्सेटिला नाइग्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर साथ में आपके वॉमिटिंग और स्टूल पानी ऐसा हो रहा है और मरीज को बिल्कुल प्यास नहीं लग रही तो आप पल्सेटिला को भी जोड़ सकते हैं। यह दवाएँ मिल के आपको मिल्क एलर्जी से बाहर कर देंगी, इसकी 99.9% संभावना है। ये दवाएं थी आपके एलर्जी के विषय में। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक जवाब दे पाएं। उम्मीद करेंगे इन दवाओं से आपको एलर्जीज में फ़ायदा हो। आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को अन्य लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।